नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं झलको शेखावटी, नीम कथाना की आम जनता के लिए हमेशा सदैव तैयार। आप देख रहे हैं कपिल हॉस्पिटल नीम कथाना में। लाइट गई हुई है और ये पूरा अंधेरा है। करीब एक घंटे से सूचना आ रही है लाइट गई हुई है, क्या कारण है वो पता नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में मरीज बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे प्रसूता भी हैं जिन्होंने अभी अभी जन्म दिया है बच्चे को, और ये पूरा लाइट गई हुई है। ये देख सकते हो डिलीवरी वार्ड के ये हालात हैं, वार्ड नंबर 29 के। लाइट गई हुई है, शेयर करें, पेज को फॉलो करें, जल्दी शेयर करें खबर को। बाकी ये आप देख सकते हो पूरे हॉस्पिटल में लाइट गई हुई है, मेरे मोबाइल की लाइट से कुछ दिख रहा है। बाकी इनसे पूछेंगे सभी लोग, ये आप देख सकते हो पूरा अंधेरे में है ये, और भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब कितनी देर हो गई लाइट गई हुई? आधा घंटा ज़्यादा हो गया। कोई कारण बताया? कारण कोई नहीं बताया यहाँ पे, कोई कारण नहीं बताया। ये देख सकते हो किस तरह से पीड़ित बीमार हैं, यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग सभी हैं, महिलाएं हैं। हाँ जी माता जी, कितनी देर हो गई? राजस्थान के नीम का थाना के कपिल अस्पताल में ये हालात हैं। नीम का थाना के विकास का ये उदाहरण है, ये विकास का है या पिछड़े का है? ये देख सकते हो कुल मिलाकर यहाँ वार्ड में, पूरे वार्ड में यहाँ पर लोग अंधेरे में हैं। मेरे मोबाइल की टॉर्च से आपको दिखा पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, और ये अभी देखेंगे ये सोनोग्राफी सेंटर ये बंद पड़ा ही है। और बाकी मुझे सूचना मिली तो आया हूँ यहाँ पे। सभी लोग ये मोबाइल से अपना टॉर्च लेके काम चला रहे हैं, और कुल मिला के यहाँ पे लाइट गई हुई है। और मच्छरों का भी इंतजाम मैंने उठाया था मामला। मच्छरों की मशीन तो लग गई क्या वैसा भी यहाँ पे? वो चलू है क्या? नहीं लगी क्या? ये देख सकते हो लाइट कितनी देर हो गई हुई। हाँ कल परसों उठाया था मुद्दा, लगा दी ना वो मच्छरों की मशीन, तो मैंने यहाँ मुद्दा उठाया था कि यहाँ मच्छर खाते हैं पीड़ितों को, लेकिन मशीन खराब हो रही थी। लेकिन पीएमओ से बात की सुमित गर्ग से, उन्होंने तत्वरित कार्रवाई करते हुए मशीन तो मच्छरों की लगा दी, वो सामने दिखाऊंगा आपको मैं। लाइट कितनी देर हो गई हुई? आधा घंटे से ज्यादा हो गया। ये मोबाइल आधा घंटे हो गए। मच्छरों का समस्या नहीं है ना अभी यहाँ पे? है क्या? थोड़ी बहुत है। नहीं मशीन चालू करवा दी, उससे आराम मिलेगा। मैंने उठाया था मामला, लगवाई है यहाँ पे डॉक्टर ने, लेकिन अब ये लाइट जाने का क्या कारण है? पूरे ये सभी परेशान हो रहे हैं बच्चे यहाँ पे। अब ये छोटा सा बच्चा है गोदी में, इन माता की, इन बहन की गोदी में, ये बच्चा भी लाइट में परेशान हो रहा है बिना लाइट के। यहाँ लाइट चली गई है, ये देख सकते हो पंखे वगैरह सब बंद पड़े हैं, और अंधेरा करके दिखाऊंगा मैं आपको, कुछ भी नहीं दिखेगा। पूरा अंधेरा है इस वार्ड में, और आप देख सकते हो किस प्रकार से ये नीम का थाना के जिला कपिल अस्पताल के हालात हैं। और जिला कपिल अस्पताल में ये हालात हैं, पूरा वार्ड, सभी वार्ड में लाइट नहीं है, डिलीवरी वार्ड तक के वार्ड में लाइट नहीं है। और ये देख सकते हो, ये आपको मैं दिखाऊं, बाकी ये डिलीवरी वार्ड है, इसमें भी लाइट नहीं है। और ये देख सकते हो कुल मिला के आगे तक पूरा अंधेरा है। अगर लाइट बंद करूं मैं मोबाइल की तो देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र, मोबाइल के टॉर्च जलाने से कुछ दिखता है थोड़ा। भाई साहब लाइट गए कितनी देर हो गई? आधा पौन घंटा हो गया। लेकिन यहाँ का प्रशासन करके आ रहा है नीम का थाना में, ये आप देख सकते हो किस प्रकार से जिला अस्पताल के हालात हैं। और इमरजेंसी तक में लाइट नहीं है, इमरजेंसी के भी हालात खराब हैं। मामला तो उठाऊंगा आम जनता के लिए, जिससे आम जनता को फायदा मिले, आम जनता परेशान ना हो। और हॉस्पिटल में तो वैसे ही दुखी परेशान लोग आते हैं, लेकिन इनके साथ अगर लाइट भी नहीं हो या लाइट की भी सुविधा नहीं मिलेगी, वैसे ही शायद राजस्थान सरकार में लाइट की कमी है। और बाकी ये कपिल हॉस्पिटल के बाहर आ चुका हूँ मैं, ये जो रोड की लाइट है वो तो आ रही है आराम से, रोड की लाइट आ रही है, रोड की लाइट से थोड़ा बहुत यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे उजाला है। बाकी इमरजेंसी के भी हालात यही हैं, इमरजेंसी में भी लाइट गई हुई है। ये देख सकते हो ये सभी लोग, ये इमरजेंसी के हालात हैं, लाइट गई हुई है अभी। डॉक्टर साहब यहाँ लाइट गई है कितनी, पौन घंटा हो गया, क्या कारण है लाइट जाने का आपको पता है? अच्छा अधिकारी को कर दिए, पीएमओ ने क्या बोला?
धन्यवाद आपको डॉक्टर साहब, अपनी ड्यूटी आराम से कर रहे हैं और अंधेरे में भी टॉर्च जला के, आपको मैं दिखाऊं या बंद करके, टॉर्च जला के ये रोगियों को निरंतर देख रहे हैं, अपनी ड्यूटी बाकायदा निर्वहन कर रहे हैं, कर्तव्य का ड्यूटी का। और इमरजेंसी के भी ये हालात हैं, यहाँ अंधेरा है काफ़ी, यहाँ पे जो कंपाउंडर है, जो नर्सेज हैं, वो भी अपना इलाज कर रहे हैं सभी का, ये भाई साहब भी कर रहे हैं इलाज, और ये देख लो टॉर्च, मोबाइल के टॉर्च में इलाज कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी आराम से निभा पा रहे हैं, इनको धन्यवाद। और बहुत नीम का थाना की जनता के लिए एक सदैव कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हॉस्पिटल नीम का थाना के जिला हॉस्पिटल में लाइट नहीं होना, ये सबसे चिंता का विषय है। खबर को शेयर करें और पेज को फॉलो करें, आप देख सकते हो भाई साहब कितनी देर हो गई लाइट गई हुई, आपको आए हुए यहाँ पे आधा पौन घंटा से ज्यादा हो गया। सर क्या कारण है लाइट जाने का? जनरेटर फॉल्ट हो रहा है क्या? और वैसे लाइट नहीं आ रही है हॉस्पिटल में, लाइट नहीं है वैसे? जनरेटर फॉल्ट होने के कारण अभी तक लाइट नहीं, जैसे रोड की लाइट तो आ रही है अभी, और जनरेटर फॉल्ट होने की वजह से लाइट सभी चली गई। अच्छा, सारी चली गई। कोई जनरेटर फॉल्ट का कारण बता पा रहे हैं? हमें कारण तो बता नहीं सकते पूरा क्या कारण है, लेकिन जनरेटर फॉल्ट का कारण है। और कपिल जिला कपिल अस्पताल में लाइट का नहीं होना पौन घंटे से, डिलीवरी रूम तक जहां डिलीवरी कराई जाती है प्रसूताओं की, ये देख सकते हो कपिल हॉस्पिटल है, रोड की जो नगर पालिका की लाइट है वो यहां पे प्रकाश कर पा रही है उजाला, उससे थोड़ा चहल पहल है, बाकी अंदर पूरा अंधेरा है। और जिला कपिल अस्पताल के हालात आप देख सकते हो, लाइट नहीं होना और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है पेशेंट रोगियों के बीच। और करीबन पौन घंटे से यहाँ लाइट गई हुई है और बाकी अंधेरे में है सारा, रोड की लाइट नगर पालिका की लाइट सुचारू रूप से चालू है। बाकी आप कितनी देर हो गई वैसा भाई हुए? 20 मिनट हो गई। तो लाइट नहीं है यहाँ पे? नहीं है, इमरजेंसी चल रही है अंदर। हाँ इमरजेंसी चल रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं लेकिन टॉर्च मोबाइल के टॉर्च में कर रहे हैं। तो कुल मिला के लाइट आनी चाहिए, नीम का थाना के जिला हॉस्पिटल के प्रशासन को भी ये आम जन की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल में लाइट जैसी व्यवस्था हमेशा रहनी चाहिए, अगर कुछ हुआ है तो उसको तुरंत सुधारा जाए और तुरंत सुधार किया जाए। नीम का थाना की जनता यहाँ दुखी होके आती है इलाज करवाने और फिर लाइट के अभाव में बच्चे सभी परेशान होंगे, तो इसलिए लाइट जल्दी से जल्दी चालू की जाए। बाकी बारिश का मौसम है, थोड़ा मौसम अनुकूल है, नहीं तो गर्मी होती तो बहुत बुरी हालत हो सकती थी यहाँ सभी पेशेंटों की। और कुल मिलाकर जो ड्यूटी है अपनी वो सभी कर रहे हैं, लेकिन लाइट का नहीं होना एक चिंता का विषय है और लाइट जल्दी आनी चाहिए। बाकी पीएमओ गर्ग से मैं बात करूंगा कि ये क्या कारण है और इसको जल्द सुधार करवाने की मैं कोशिश करूंगा आपके बीच में। और आप देख रहे हैं पत्रकार दीपक शर्मा के साथ झलको शेखावाटी, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, धन्यवाद।